हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आई हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। यह है वुमेंस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो। चलिए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूं। देखिए, ये सारे अरेंजर मैं मंगाई हूं। कुछ अरेंजर मेरे पास पहले से था, ये सब मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 3 पीस का आता है ये, और इस सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी यहाँ आप सिर्फ 2 ही देख रहे होंगे, और क्योंकि मैं अपने बेटे के बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में एक बैग लगा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ 2 ही हैं। अब मैं दूसरा आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे इसका मैं पिक्चर दिखाती हूँ। ये बैग ऑर्गेनाइजर है, आप देख रहे हैं, काफ़ी यूजफुल है ये। ये भी मैं फ्लिपकार्ट से ही मंगाई हूँ, और इसका लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये भी ऑर्गेनाइजर मैं फ्लिपकार्ट से ही मंगाई हूँ, इसका भी लिंक मैं दे दूँगी। तो चलिए मैं अपने बॉर्डर की ओर आपको ले जाते हैं, बिना ऑर्गेनाइजर के बॉर्डर कैसा दिखता है। अब मैं आपको अपने बॉर्डर को खोल कर दिखाती हूँ, बिना ऑर्गेनाइजर के बॉर्डर कितना गंदा दिख रहा है। अब इसे ऑर्गेनाइजर देकर मैं दिखाती हूँ। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी, जिससे आपको अपने बॉर्डर को ऑर्गेनाइज करने का कुछ टिप्स एंड आइडिया मिले। मैं इससे भी गंदे वाले बॉर्डरों का टिप्स साइड में दे रही हूँ, जिससे मैं 2 कपड़ा खींची थी तो सारा बॉर्डर गड़बड़ा गया था। सबसे पहले मैं अपने पर्स का को ऑर्गेनाइज करूँगी, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे थे। देखिए इस टाइप का, इसमें आप 6 बैग डाल सकती हैं, देखिए इस टाइप का। चलिए मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास कम ही पर्स है, मैं बहुत ज़्यादा पर्स नहीं खरीदती हूँ, और पार्टी वेयर पर्स को मैं ऊपर रख चुकी हूँ अपने ऊपर वाले बॉर्डरों में। और मैं इस अपने बॉर्डरों से कुछ कपड़े को शॉर्ट आउट करूँगी, जो कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ उसको भी मैं अपने बॉर्डरों में डाली हुई हूँ। इस पर्स को मैं अमेजोन से खरीदी थी, ये देखिए ये लावी ब्रांड का पर्स है। ऊपर वाला पर्स आप देख रहे हैं, तो मैं मुंबई गई थी तो वहाँ से मैं इसे खरीदी थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये पर्स। देखिए H&M का है, और इन दोनों को मैं फ्लिपकार्ट से ही खरीदी हूँ। इसमें इस तरह का चैन दिया हुआ है, इस तरह का चैन दिया है। अभी फिलहाल में मैं इसे चैन को इस तरह से अंदर में डाल देती हूँ, ताकि पर्स रखने में अरेंजर में आराम हो सके। मेरे पास ज़्यादा पर्स नहीं है, कम ही पर्स है, और मैं बहुत सारे पर्स का शॉर्ट आउट भी की हूँ, जिसे मैं यूज नहीं करती थी, काफ़ी पुराना हो चुका था। उस सब पर्स को मैं हटा दी हूँ, और बाकी जो थोड़ा पार्टी वेयर है, जिसे मैं बहुत कम लेती हूँ, उसको मैं ऊपर में डालती हूँ बॉर्डरों में। ये लावी का पर्स है, इसे भी मैं फ्लिपकार्ट से खरीदी हूँ, और काफ़ी अच्छा पर्स है, काफ़ी सॉफ्ट लेदर का बना हुआ है। ये देखिए ये छोटा पर्स है, जो मैं अपने पर्स के अंदर डालती हूँ, और चूंकि इसके अंदर ही आए हैं, जब मैं इसको खरीद रही थी तो साथ में ये भी मुझे दिए थे शॉप वालों ने। अब मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ, और ये देखिए ये मैं ऐसे लोकल शॉप से, यानी कि ये विंडो शॉपिंग करते हुए मैं इसे खरीदी थी। ये मैं ट्रेवल के समय यूज करती हूँ, इसमें मैं अपना टोटल ब्रश किट्स वगैरह रखती हूँ, पेस्ट ब्रश ये सब जो होता है सारा चीज़ मैं रखती हूँ इसमें। और ये देखिए ये मल्टी फंक्शनल पर्स है, जिसे मैं फ्लिपकार्ट से खरीदी हूँ, काफ़ी अच्छा है। इसमें मैं टोटल कॉस्मेटिक का सामान लेकर जाती हूँ। इसमें 1, 2, 3, 4 पॉकेट है, और ये काफ़ी यूजफुल चीज़, इसे मैं बहुत पहले फ्लिपकार्ट से खरीदी थी। अगर इसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगी। और ये एक पर्स है, जिसको मैं मुंबई से लाई थी, वहाँ गई थी तो विंडो शॉपिंग करते हुए इस पर्स को मैं खरीदी थी, ये भी मुझे काफ़ी काम देता है। चलिए सर, इसको पर्स तो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। अब ये देखिए पर्स, ये मैं शॉपर क्लब से, सॉरी गाइज मेरा टंग स्लिप कर गया, ये मैं क्लब फैक्ट्री से खरीदी। ये काफ़ी लाइट वेट है, और ये पार्टी वेयर है, मैं अभी तुरंत मंगाई हूँ 1 डे पहले, और इसलिए मैं ये बाहर पड़ा हुआ है पर्स, और इतना
मैं इसे यूज करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पार्टी में एक दो दिन में जाना है, इसीलिए मैं इसे बाहर ही रखी हुई हूँ अभी। तो इसे भी मैं डाल देती हूँ बाहर। चलिए पर्स तो ऑर्गेनाइज हो चुका है। देखिए ये भी मैं फ्लिपकार्ट से ही मंगाई हूँ और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये क्लच पर्स है, इसे भी मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ। ये बटरफ्लाई ब्रांड का पर्स है, काफ़ी अच्छा पर्स है देखिए। और इसको मैं इसमें डालती हूँ। चलिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मैं पार्टी वेयर कपड़े जितने भी उसको अलग कर लेती हूँ, और डेली वेयर मैंने मीन्स नहीं घर में पहनने वाला नहीं, जैसे आप मार्केट जा रहे हों या कहीं और जा रहे हों, जैसे बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए जा रहे हैं, उस सब कपड़े को एक साइड कर देती हूँ। पार्टी वेयर साड़ी को अलग कर देती हूँ। कुछ कपड़े मैं सनग्लासेस जो मैं डेली यूज में अक्सर यूज करती हूँ, सनग्लासेस सामने में रखी हूँ, जो कम यूज करती हूँ उसको सबको मैं ऊपर उठा के रख दी हूँ। देखिए इस तरह से मैंने सारे पार्टी वेयर कपड़े को इस तरह के अरेंजर में डालकर रख रही हूँ, जिसे मैं बहुत कम पहनती हूँ। ये सारे सूट सलवार सूट है, और जो साड़ी मैं नहीं पहनती हूँ उसको मैं छांट करके इस साइड से रख रही हूँ, और बैग में डाल करके इसे मैं अपने बेड के अपने दीवान में डाल दूंगी, दीवान के बॉक्स में। कि इधर मैं वेस्टर्न कपड़े को रखी हूँ, इधर कुछ टी शर्ट है, बहुत सारे टी शर्ट मैं हटा चुकी हूँ जिसे मैं नहीं पहनती हूँ, और जिसे पहनती हूँ रेगुलर बेसिस पर उस सबको डाली हूँ। और कुछ मैं अब नए कर टी शर्ट वगैरह परचेज करके लाऊँगी। यहाँ मेरे इस तरह के अरेंजर में मेरे सारे जीन्स वगैरह हैं, मैं इस तरह के अरेंजर में अपने जीन्स को डाल रखी हूँ। ये देखिए, और ये स्टॉल है, इसको देखिए इस तरह से स्टॉल को लगा के रखी हूँ। और इस साइड में मैं पर्स डाली हूँ। अब बचे हुए जगह को मैं यूज करती हूँ, यहाँ सनग्लासेस वगैरह रखूँगी। इसमें मैं अपने सारे न्यू क्लॉथ डाली हूँ, मैं इन द सेंस कि ये जो मैं कभी नहीं पहनी हूँ, एकदम न्यू है, जिसे मैं ओरिजिनली निकाल कर पहनूँगी, वो सारे क्लॉथ सब मैं डाल रही हूँ, जिसका रिव्यू आप लोग देखे ही होंगे। देखिए इसमें मैं जितना पार्टी वेयर साड़ी है वो सब मैं रख रही हूँ। सब साड़ी एक बनारसी साड़ी मैं इसमें डाल रही हूँ, तो कभी कभी और सारे बनारसी साड़ी मैं अपने दीवान के बॉक्स में डाल दी हूँ, सब बैग में पैक करके मैं डाल दी हूँ। चलिए मैं अपने बॉर्डर का फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इधर देखिए, इस साइड आप देखिए कि मैं दिखाई थी कि इधर मैं वेस्टर्न वेयर कपड़ा अपना रखने जा रही हूँ, तो मैं इधर वेस्टर्न वेयर टोटल कपड़े डाली हुई हूँ, इसमें जींस डाली हूँ जैसा मैं दिखाई थी आपको। और यहाँ देखिए मैं अपने सनग्लासेस को रखी हूँ, यहाँ हमारे पर्स हैं, और इसके पीछे इसमें मैं वॉच रखी हुई हूँ इस टाइप की, ये हमारे डेली यूज के बाद जो होते हैं उसको मैं इसमें डाल के रखी हुई हूँ। इस टाइप के बैग में मैं अपनी इनर वेयर रखी हूँ, और इधर मेरा हैंकी है रखा हुआ है इस टाइप। और इस साइड आइए तो इधर मैं जो कपड़े बहुत मैंने मार्केट वगैरह जाती हूँ वो सब कपड़ा मैं इसमें डाली हूँ, जो मैं डेली यूज में पेरेंट्स मीटिंग, ये कॉटन वेयर कपड़े हैं और ये थोड़े से हैवी हैं और थोड़े सिंथेटिक कपड़े थे, तो उसको मैं इस तरह के बैग में डाल के रख दी हूँ, जिसको कम यूज करती हूँ समर में। तो और इन सबको समर में मैं ज़्यादा यूज करती हूँ क्योंकि कॉटन कपड़े हैं। और इसमें देखिए हमारी स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, ये जुम्बा क्लासेस के कुछ ड्रेस हैं, और कुछ योगा क्लासेस के मेरे अंदर में ड्रेसेस हैं, सबको मैं एक जगह इकट्ठा करके रख दी हूँ। और यहाँ मैं दुपट्टा डाली हूँ, जो मैं दिखाई थी किस तरह से दुपट्टा अरेंज की हूँ, किस तरह के अरेंजर में, ये देखिए इस तरह के अरेंजर में मैं इस टाइप से दुपट्टा को अरेंज की हूँ। अब चलिए मैं सेकेंड सेल पर आती हूँ। तो देखिए इस टाइप के बैग में जो मेरे पास पड़े हुए थे, मैंकेट के बैग पड़े हुए थे, तो मैं उसमें अपने टोटल लेगिंग्स वगैरह को रखी हूँ, देख लीजिए इस तरह से। और उसमें पार्टी वेयर सलवार सूट,
ये मैं बहुत कम पहनती हूँ, ये पार्टी वेयर ड्रेस है, काफ़ी हैवी ड्रेसेस हैं, बहुत ज़्यादा वर्क वाले ड्रेसेस हैं। और नीचे आइए, ये इसमें सारे साड़ी हैं, मेरे पार्टी वेयर साड़ी सारे हैं, तो इसको सारे इसमें मैं डाल करके रख दी हूँ। और इधर जो कपड़े मैं नहीं पहन, एकदम न्यू है, जिसको मैं कभी भी नहीं पहनी हूँ, और उस ये सारे कपड़े मैं इसमें डालकर रखी हूँ। Thanks for watching. Please like and share my video. Do consider subscribing to my channel and press the bell icon so you do not miss the notification of my new videos. And comment down below. My Instagram handle is on the screen. Till then, bye.